हमारे गांव आते ही तूफान आ गया। तो देखिए बाबू के गांव आते ही कितना सुनहरा मौसम। हाँ यार फ्रंट से बनाई पे। ओह माय गॉड किया ऊपर का फोन था साफ चलो बाबू। आंधी तो भैया देखो हम लोग के गांव आते ही आंधी भी आ गई। ये लोग पूरी शक्ति है अब अरे गाइस बहुत गाइस बलकू पतो भाग नहीं पा रही है सैंडीला पहने और देखिए आंधी भी आ गई। ओह माय गॉड मैं दिखाती हूँ तो बाबू को क्या करना है। रील्स बनाना है। रील्स बनानी है कौन से गाने पे। बन गई हमारे गांव आते ही तूफान आ गया। तूफान तो सीरियसली तूफान आ गया है। आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी। और ये बाबू के चक्कर में मैंने बड़ी सी टिकुली लगा ली है वरना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। छोटा बिंदी भुलाया था घर पे। इसने मेकअप ज्यादा पोत रखा इसलिए ज्यादा सही लग रही है। बड़की पतोहू तैयार हो गई है तो अब हम जा रहे हैं रील्स बनाने। हम रील्स बनाने लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं बाबू की रील्स। चल बना। हम लोग 4-5 साल बाद गांव आए हैं और मौसम आप देख ही रहे हैं। पहले तो हमें कल लखनऊ से आने में टेंशन हो रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी कैसे सोएंगे। बट रात में भी ना टच वुड इतना अच्छा मौसम था कि मेरी बाबू तो कथरी ओढ़ ओढ़ के सोई है और ये बिछौनी और अभी भी मौसम इतना अच्छा है लिटरली भी दोपहर में तो थोड़ा सा गर्मी लग रही थी। एंड ये देखिए हमें मैंगो मिला। आंधी में मैंगो टूट के गिरा बाबू उसी पे लौट गई जाके। और ये हमारे भतीजे जी यहीं पे हैं। और ये वो ये नहाया नहीं है 4 दिन से आज नहाया लाइव ज्वाइन कर रहे थे घर में बैठे पीछे खड़े हुए। अब इस मैंगो को हम लोग काटेंगे और हरे नमक से खाएंगे। नमक भी लेके आओ। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि बाबू इसे कैसे कूंच कूंच के खाएगी। नहीं खाएगी क्या तो मैं खाऊंगी। हमें कितने सारे मैंगो मिल गए अब मैं इसको खाऊंगी। नो नो अच्छा भैया आंधी तो आई थी बारिश भी होने लगी थी तो थोड़ी देर हमें थमना पड़ा था शांत वहाँ पे। बाबू ने सैंडीला पहन रखी है और ये छोड़ के भाग गई है अपना चप्पल। ये देखिए अब ये किसी तरह आ रही है। मैं खुद ही वीडियो बनाने में लग रहा उलट जाऊंगी। ये देखिए आप लोगों को मैं नांदा दिखाती हूँ और ये देखिए गोबर का घूर और वो देखिए नांदे ही नांदे गाय। तो मैडम आपको ऐसे चल। और ये हमारा पकड़िया का पेड़ बहुत पुश्तैनी है जब मैं पैदा हुई थी जब मेरे पापा पैदा बाबा उसके पहले का है। और गाइस ये देखिए बारिश हो के हमारे यहाँ का क्या हाल हुआ है। और मेरे पैर को देखिए ओ माय गॉड। इस पापा से आप पहले मिले ही हैं। पापा ने मेरी 8 बरिया 8 पूड़ी और दाल चावल खाया। मैं दिखाऊंगी मैंने वीडियो बनाया था। यहाँ दीदी देखिए पीछे फल वल रखे खा रही हैं खाने से पेट नहीं भरता। अभी उल्टी नहीं करेंगे अभी जब इनको हम इनके घर ले जाएंगे तब रास्ते में देखिएगा। और लाइट चली गई है तो पूरी जनता यहीं पे आके समा गई है। ये देखिए ओ वाली भाभी बता दो लाइन हो रही है। देखिए मम्मी मेरी सुरती खाते हुए मम्मी बनाओ ये देखिए मम्मी मेरी सुरती बना रही हैं। रगड़ के बीड़ा मुंह में
भैया इधर हमारा ये दुष्ट लौंडा नमक बना रहा है मेरे लिए। हेलो गाइस, इधर नमक का बन गया है, अब इससे मैं खाऊंगी कच्चा कच्चा आम, हमारे मैंगो और नमक। अब मैं खाऊंगी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो वरदान काटेगा मेरे लिए। ये अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए कृपया करके मेरे ब्लॉग में। तो अब मैं खाऊंगी आम। देखो मैंने इसमें नमक लगा लिया, नमक इसने बहुत तीखा बना दिया है, मिर्चा उसमें डाल डाल के। तो अब मैं खाती हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा नहीं पाऊंगी लग रहा है। हाथ में तो पानी आ बहुत नहीं मजा नहीं, मजा नहीं आता, मुंह आ गया। तो देखिए मैंने ये नमक लगा लिया है आम में, मैंने इसके पहले भी ट्राई किया बट मुझसे खाया नहीं गया, मुझे पहले ही मुंह में पानी आ रहा है। तो अब मैं खाती हूँ। नमक इतना तीखा नमक। सो यहाँ पे मैंने और वरदान ने किया था एक छोटा सा चैलेंज, वो भी वरदान के कहने पे। मतलब मैंगो था एक, उसको आधा आधा हमें खाना था, कौन पहले खा लेता है लॉट्स ऑफ नमक लगा के। तो चलिए देखते हैं ये चैलेंज कौन जीतेगा, मैं या वरदान। खत्म। तो मैं हार गई हूँ। हम जीत गए। उसको खाया तो तुझे मत तो तू ना खाया। ये देखिए हमारे यहाँ मोस्टली सारी सब्जियाँ आपको मिल जाएंगी, सब लोग खुद ही लगाते हैं, टमाटर बैगन मिर्चियाँ एंड बाकी बहुत कुछ था, मैं सबकी वीडियो नहीं शूट कर पाई। ये लगी हुई है अरबी, ये देखिए भरवा वाली मिर्च, ये देखिए केला भी लगा है हमारे यहाँ। यहाँ मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज अवेलेबल है घर में ही, साग सब्जी फल मिठाई छोड़ के। मिठाई ये देखो कितना कटहल लगा हुआ है, मतलब एकदम लदा है। वाओ। तो ये मेरे पापा जी ने आम के पेड़ लगवाए हैं, ये जो ढके हुए हैं कलर्ड कपड़े से वो सारे आम के पेड़ ही हैं। अब इन फ्यूचर में ये पूरा एक बगीचा टाइप का बन जाएगा और मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, भले 10 साल लग जाए। देखिए बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं पापा ने, स्पेशली पापा ने लगवाए हैं ये पेड़। और ये देखिए ये लगा हुआ है उड़द की दाल, अभी तो ये पेड़ है, कल को ये दाल बनेगी इसमें। और ये देखिए खेत ही खेत, हमारे पास खेत ही खेत हैं। तो अभी नन्नी जा रही हैं पेड़ पे चढ़ने और वो मेरे लिए आम तोड़ के लाएंगी, मैं फिर से आम खाऊंगी। ये देखिए नींबू का पेड़ और इसमें कितने सारे नींबू लगे हैं, वाह सारे। और ये रहे हमारे सारे बच्चे। हेलो गाइस, हम सारे बच्चे हैं। तो यहाँ मेरे बाबा जी बहुत रो रहे थे बेचारे, क्योंकि वो बाबू की शादी में नहीं आ पाए थे अपनी हेल्थ के चलते, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत रोए वो। सो अभी हम निकल रहे थे गांव से तो अचानक हमें पता चला हमारी गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रही थी। तो चलिए देखते हैं ये गाड़ी कब तक स्टार्ट होगी और कैसे। सो अब यहां पे पूरा खानदान मिलके लगाएगा धक्का गाड़ी को, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी।
फिर पीछे लगाओ गाड़ी सीधी चक्रो चल भैया लगा लगा कौन क्यों दे रहे हो कब हुआ तो हम लोग अब अपने गांव से निकल लिए हैं मामा के यहाँ जाने के लिए और मैं मेरे मामा के घर भी 7 या 8 साल बाद जा रही हूँ। तो ये सब लोग रहे, अब आप अभी जनता थोड़ी कम, सामान भी हो गया है, बोल रही बाबू मैंने कपड़े और दीदी को हम लोग ले चल रहे हैं, दीदी की ससुराल रास्ते में, उनको हम लोग वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए फिर चलते हैं मामा के घर। गाइज हमने बहुत मज़ा किया, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आया, हम इतने टाइम बाद गांव आए थे एंड मेरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं स्पेशली हम लोग के लिए, और मुझे तो बचपन से उन लोगों से थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट रही है एज़ कम्पेयर टू बाबू, क्योंकि मैं थोड़े दिन यहाँ रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं रही है। अब मेरे फ़ोन में बैटरी भी हो गई है 5% एंड यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट चली गई है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो इसीलिए मुझे अपना ब्लॉग यहीं पे अब फिनिश करना पड़ रहा। मेरा मन तो था कि मैं रात तक का शूट करूं, बट मुझे लग नहीं रहा कि मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी देर चलेगी, तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूं। अभी हम लोग, मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी डालूंगी, मैं मामा के यहाँ जाऊंगी, मौसी के यहाँ जाना है, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा प्रिया की इंगेजमेंट है, तो मैं उसका भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इधर हो रही है बारिश, बाबू अपनी जुल्फों को बचा रहे हैं, मैंने ले लिया है अपना रेड कलर का। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।